सो हे गाइस, तो ये है थर्ड डे। तो अभी जो है भाई, राउंड को जल्दी से जो है कंटिन्यू करते हैं। और वैसे भी आज हो चुकी है भाई 29, तो अभी जल्दी से बनाते हैं यार, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है जल्द से जल्द, क्योंकि भाई इसमें बम भी लगेंगे और बहुत कुछ चाट वगैरह सब कुछ लगाना है भाई। अभी तो कुछ नहीं हुआ। और ये आ चुका है भाई अपना स्टैंड, तो इसको खोलते हैं। और तो ये फाइनली जा चुका है, तो इस पर टेप लगा देते हैं। कुछ इस तरह से। और तो गाइस, अभी फाइनली ये जो है अपने स्ट्रक्चर में आने लग चुका है। आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा, ये देखो। तो अभी मैंने क्या किया ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्टिक्स बनानी है, और जैसे मैंने देखो उधर लगा रखी है मैंने, बिल्कुल पीछे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मैंने लगा रखी है, ये देख सकते हो। तो ऐसी मैंने इधर भी लगाई है और उधर भी लगाई है, विद द हेल्प ऑफ ग्लूगन। ग्लूगन की हेल्प से आपको लगानी है। देखो यार, मैंने पहले ग्लूगन लगाई है, उसके ऊपर मैंने टेप लगाई है। यहाँ पर भी सेम किया मैंने, पहले ग्लूगन लगाई फिर टेप लगाई है, और यहाँ पर भी मैंने सेम ही किया ऊपर वाली साइड। तो अभी क्या होगा ना, मैं दो तीन और लगाऊंगा इस टाइप के, ताकि ये जो है अच्छे से रहे, और जलने के टाइम ये पहले ना गिर जाए, जलने के टाइम ये गिरे ना पहले। सो गाइस, अभी ना मेरे एक चीज़ माइंड में आई कि ना अपने राउंड को ना भाई बॉडी बिल्डर जैसा बनाते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ ना, जैसे ये मैंने बनाया था, इसकी कमर है ये, ठीक है। तो ये जो है ये कमर है, और ये इसका यहाँ पर मतलब चेस्ट है, और ऊपर इसका हेड आएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा करा था। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ना यहाँ से काट दूंगा, ये जो पार्ट है ना इसके बाद वाला पार्ट सारा, तो मैं इसको काट दूंगा, और ये ना बॉडी बिल्डर जैसी शेप देगा इसकी पूरी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ से काट देते हैं, ये देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, और ऐसे ऐसे करके ना जो भी गोला बनाया है ना हमने, उसको काट देते हैं। इससे क्या, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो चलो यार, इसको जल्दी से काटते हैं। तो चलो भाई इसको काटते हैं। तो भाई कट गया, फाइनली भाई ये कट चुका है, और ये लास्ट है, और ये लास्ट है। ओ भाई, ये फाइनली भाई कट चुका है, और ये रावण की शेप भाई बहुत बढ़िया लग रही है, पक्का बता रहा हूँ भाई, अब बहुत बढ़िया बनने वाला है ये रावण। आ चुकी है भाई अपनी लेई। आप समझ रहे हो यार कितनी मेहनत लगती है, और आप लाइक ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो यार ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, आपको लाइक करना चाहिए थोड़ा सा यार, हमें भी सपोर्ट दिखाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत बात है ये, हम भी मेहनत कर रहे हैं यार। यार हमें भी सपोर्ट दिखाओ, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है भाई। बस आज का भाषण भाई यहीं पर ख़त्म हुआ, तो इसको चिपकाते हैं जल्दी से, और कुछ ज़्यादा ही मैंने ले ही लगा लिया है भाई, चिपकने वाला है। बस ये जब तक चिपक रहा है, इसको भी भाई चिपकने देते हैं। और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और भाई चेस्ट, भाई अब चेस्ट लग रही है सच्ची में। मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं ना इस साइड को भी कवर कर देता हूँ, ताकि जल्दी हो जाए। और भाई हमारी लेई भी पड़ी है बहुत सारी, तो आज के आज इसको ख़त्म करनी है, और कल तक ये ख़राब हो जाएगी, आपको पता ही होगा, ज़्यादा देर लेई नहीं टिक पाती है। तो चलो यार, अभी जल्दी से इसको चिपकाते हैं, पहले पार्ट को करूँगा, तो मैं ऐसे करूँगा, और इसको नीचे रख दूँगा, और इसको ऊपर ले जाऊँगा कुछ इस तरह से। तो गाइस, अभी ना लेई ख़त्म हो चुकी है, और ये जो है ऐसे चिपक चुका है। तो मैंने क्या किया ना इसको, तो मैंने क्या किया ना इसको ना कुछ टेबल करने के लिए, जैसे मैंने ऊपर ऊपर करने के लिए इसको, मैंने नीचे देखो क्या कर रखा है, कुछ ऐसे ये बांध रखा है जो मैंने आपको बताया था, और नीचे भाई परफ्यूम लगा रखा है, और कुछ था नहीं तो मैंने ये लगा दिया। तो अभी ना सीधा मैं इसको कल करूँगा,
तो मिलते हैं भाई कल। और लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो यार, मैं कितनी, और यार अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो ना यार, कितनी बार बुलवाते हो, जल्दी से लाइक करो, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं भाई कल, बाय बाय। 2,000 years later. और ये रहा अपना रावण, तो इसको इधर बुला लेते हैं भाई, इधर आ जा। और ये मैंने कुछ ऐसा बांधा था अपने बेड पे धागा टाइप, ताकि ये थोड़ा ऊपर रहे, तो इसको मैंने निकाल दिया। तो इसके अंदर से भाई कुछ ऐसा व्यू आता है। आप देख सकते हो यार, ये ऐसे शेप में भी आ जाएगा। फर्स्ट कोटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी सेकंड थर्ड कोटिंग भाई कल करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी सूखेगा इसमें, तो इसमें ना 12-13 घंटे चाहिए होते हैं सूखने के लिए। देखो यार, जैसे ये पूरा न्यूज़पेपर गीला है, ये भी गीला है, और ये भी गीला है, और ये भी गीला है, तो इसको ना 12-13 घंटे चाहिए होते हैं सूखने के लिए। तो अभी मैं ना इसके नीचे का, जैसे ये तो इसकी कमर होगी, ये चेस्ट होगी इसकी मतलब, और ये इसकी कमर, तो इसके नीचे का जो घाघरा आएगा ना, तो मैं अभी वो बनाने की सोच रहा हूँ। गाइस आज ना कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, मतलब ना मैंने ना इस रावण की चेस्ट को थोड़ा सा कंप्लीट करा, मतलब ना मैंने ना इसकी लेयर कंप्लीट करी है, एक लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो कल दूसरी होगी, फिर परसों तीसरी होगी, ऐसे ऐसे करके भाई रोज एक एक लेयर करेंगे। 2,000 years later. मेरे चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ चुकी है, तो आप ये वीडियो तब देख लोगे जब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मेरे चैनल से चली गई होगी, यानी जा चुकी होगी। कि चैनल पर जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गई, तो आपको भाई पता होना चाहिए कि अगर आप वीडियो डालने की कोशिश करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। मैंने भी भाई वीडियो डाली है, मत डालना अगर आपके पास आए कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक, आपका भी टाइम वेस्ट होएगा। तो अगर आप गूगल करोगे ना कि कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक कब तक रहती है, मतलब कब तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, ठीक है, 1 हफ्ते तक। लेकिन भाई मुझे पड़ी है भाई 2 हफ्ते तक। तो मेरा एक दोस्त का भी चैनल था, तो मैंने उससे पूछा भाई तेरे पास आई है कभी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो वो कहता भाई हाँ आई है मेरे पास, और मेरे पास भी भाई 2 हफ्ते के लिए आई है। पता नहीं यार उसने कौन सी कैसी वीडियो अपलोड करी, तो मैंने तो भाई बम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी फिर भी भाई। तो मैंने ना क्या करा था, मैंने ना कोई वार्निंग नहीं दी थी, बस मैंने लिखा था कोई वार्निंग वगैरह टैग होता है ना कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर, तो वो मैंने नहीं दिया था बिल्कुल भी। तो मैंने बस ये लिखा था डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बस मैंने बस ये लिखा था, और कोई भाई बैनर वगैरह नहीं लगाया, 18+ का बैनर कुछ नहीं लगाया यार मैंने, और भाई मेरी यार बहुत बड़ी गलती थी ये। तो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई ऐसा मत करना बिल्कुल भी, अगर आप बम से रिलेटेड वीडियो डालोगे। स्ट्राइक होता क्या है बेसिकली, मैं अपने ना कुछ गलत कंटेंट अपलोड करा, जैसे मैंने एक बम की वीडियो डाली थी शॉर्ट वीडियो, तो मैंने ना उसमें ना क्या किया था, एक बॉटल में बुलेट बम डाला और उसको फोड़ दिया, मतलब वीडियो पे यार कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई। मैं क्या लिख रखा था ना, 2 वीक्स तक मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, कोई भी पोस्ट नहीं अपलोड कर सकता, लाइव नहीं जा सकता, और भाई कुछ भी नहीं कर सकता अपने चैनल पे। कर सकता हूँ तो भाई बस वीडियोज़ देख सकता हूँ अपनी, दूसरों की बस, कुछ अपलोड मैं कर नहीं सकता। तो यही होती है भाई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। आप यूट्यूबर हो और आपने भाई न्यू चैनल स्टार्ट करा, आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, बम से रिलेटेड वीडियो डालोगे, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करोगे बम जैसा, तो स्क्रीनशॉट लगा देना। कुछ नहीं होएगा, गारंटी दे रहा हूँ, और ये वाला भी लगा देना, और ये वाला भी लगा देना, ठीक है। इससे क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में।